ये सुने नहीं जाते हैं, घूमने के लिए भर नहीं बनेंगे। देखो घूमने के लिए घूमने वाले घूमने वाले हैं। मैं ये तो स्टार्ट करना है। हाँ मैंने कुछ चलाया ना मनो ने बजने लागा सावधो ने बजने लागा देवकला कहवारे देवकला कहवारे माजा मल्लारे चेवारे माजा मल्लारे चेवारे मल्लारे चेवारे माजा मल्लारे चेवारे इच्छा मुझ पावनका मल्लारे चेवारे माजा मल्लारे चेवारे मल्लारे चेवारे माजा मल्लारे चेवारे बोध बुद्धि ज्ञान दिव्य बोध बुद्धि ज्ञान दिव्य उसरा महाद्वारे उसरा महाद्वारे माजा मल्लारे चेवारे बजनी लागा सावध होनी बजनी लागा देवकरा कहवारे देवकरा कहवारे माजा मल्लारे चेवारे माजा मल्लारे चेवारे सदगुरु काशीनाथ महाराज की जय। सुनो 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 नेपाल वासियों सुनो, यहाँ पधारे सभी यात्रियों का, हम महाराष्ट्र पधारे हुए राष्ट्र संत काशीनाथ महाराज विठल मंदिर ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पे हम पधारे हुए। करीबन हम 40 लोग हैं जो वहाँ से यहाँ आए हुए हैं। वहाँ खंडोबा का शिवजी का मंदिर है और वहाँ से हमने ये बेल भंडार लाया था और हमने ये तय किया था कि वहाँ का जो खंडोबा का जो बेल भंडार यहाँ पशुपति भगवान को यहाँ समर्पित करेंगे, इसलिए हम यानी के इंडिया से पधारे हुए हैं, पूना से पधारे हुए हैं और यहाँ सभी हमारे यात्री या आए हुए हैं अभी पशुपति भगवान के लिए हम सभी दर्शन करेंगे और सभी को हमारे जो सभी भक्तगण हैं यहाँ बड़े पैमाने पर है। देखें ये ऐसा माहौल छाया है जहाँ भी देखो आनंद ही आनंद है, सभी के चेहरों पर मुस्कान है और ये संत काशीनाथ महाराज के विचार है कि देखे कोई प्रकार का व्यसन करना नहीं, पशु पक्षी का बलि देना नहीं। देखिए युवा पीढ़ियों को खास करके सुझाव है माता पिता की सेवा करो, मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देवो भव। और हमारे संत काशीनाथ महाराज कहते हैं बेटी बचाओ। देखे भारत देश का जो धन है वो शक्ति है वो स्त्री धन है, तो बेटी बचाओ ये ही प्रोग्राम हमारे साथ है और ये करते करते हम महाराष्ट्र से पूना से यहाँ पे पधारे हुए हैं। अभी शिवजी का दर्शन करेंगे और यहाँ
Today we welcome our respective honorable guests which are arrived for this occasion here. We are the making the all of you and giving you very very thank you. Bless up God. Thank you very much. Maharaj ki jai. Jai Kodiya ko. Jai Maharaj. पशुपति भगवान की जय। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। तो देखिए आपके सभी के जानकारी के लिए हम महाराष्ट्र से, इंडिया से, पूना से सभी यात्री करीबन यहाँ 40 तक हम यहाँ पे आए हुए हैं। पशुपति भगवान जो के 12 ज्योतिर्लिंग का एक आविर्भाव है और उसी के दर्शन के लिए आप उधर खड़े सभी यात्री यात्रा पर आए हैं। मुंबई से आए हुआ है, कोई पूना से आया हुआ है, कोई कोल्हापुर से आए हुए हैं और पूना चीजों से सभी यहाँ यात्री आए हुए हैं और यहाँ पशुपति भगवान का दर्शन किया है और यहाँ आनंद ही आनंद हुआ है। देखो जहाँ भी देखो आनंद ही आनंद है, सभी के चेहरों पर मुस्कान है और ये आनंद छाया हुआ है। देखो आनंद ही आनंद है, सभी के चेहरों पर पशुपति भगवान की देखे। ऐसा आनंद जिंदगी में बार बार नहीं आता, सुनहरे पल जिंदगी में क्या भरोसा आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन ये हुआ है, प्रदेश है जिसको नेपाल कहते हैं और हम यहाँ इंडिया से पधारे हुए हैं। तो हम यहाँ आप सभी इंडिया वाले, आप सभी नेपाल वासियों का, स्टेट के सभी यात्रियों का वेलकम टू नेपाल। वी आर द मेकिंग द वेलकम ऑफ ऑल द गेस्ट विच आर अराइव फॉर दिस ऑकेजन वर्शिप ऑफ द भगवान। सो डियर फॉर मेनी मेनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस। और यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक बाद में यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं बोलने वाले, अपने अपने विचार यहाँ पे दर्शने वाले हैं। बोले यहाँ बोला तुम यहाँ काशीनाथ महाराज। काशीनाथ महाराज, काशीनाथ महाराज जी जो महाराष्ट्र जेजुरी से आए हैं, इनको अपन नेपाल में पशुनाथ के स्थान में हार्दिक स्वागत है। जय मल्ला, जय मल्ला, जय मल्ला, थैंक यू। बोले तो काका बोले, आम्ही मराठीतूनच बोलणार, महाराष्ट्र इंडिया, महाराष्ट्र पुणे जिल्हा जेजुरी मधून आम्ही सर्व भाविक 33 लोकांचा आमचा गट आहे। यामध्ये प्रामुख्याने आम्ही राष्ट्र संत काशीनाथ महाराज यांच्या प्रचारार्थ म्हणजे स्मरणार्थ आम्ही अंधश्रद्धा, अंधश्रद्धा निर्मूलन, एड्स जागृती, कन्या बचाव, बेटी बचाव हा उपक्रम भारतभर याचा संदेश आम्ही पोहोचवत असतो। आणि आमचे या ग्रुपचे लीडर श्री प्रल्हाद लाखे हे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमचा सर्व कार्यक्रम चालू आहे। कालच आम्ही पशुपतीनाथ मंदिर काठमांडू येथे आलेलो आहे आणि आता 2 दिवस इथं मुक्काम होणार आहे। आता आमचा सर्व ग्रुप म्हणजे जेजुरी, कोल्हापूर, वीर, वाई आणि पुणे या सर्व घरातून, या सर्व गावातून सर्व मंडळी पशुपतीनाथ दर्शनासाठी आलेली आहे। सुरुवातीला असं भासवलं गेलं होतं की फार तुम्हाला त्रास होईल, पण देवाच्या कृपेने आमची जी सहल आहे, आमची जी ही यात्रा आहे, ही फार सुखरूप आणि काहीही त्रास न होता, देवाने आम्हाला कसलाही त्रास न देता झालेली आहे। यातच आम्ही त्या पशुपतीनाथचं महत्व जाणलेलं आहे
आणि एवढं बोलून इकडे बघा असं झालं अरे कोल्हापूरवाल्यांच त्यांचा एक तडा वेगळा आला का कारण मजा त्यांचं प्रेम आहे हसा हसा खूप आनंद झालेला आहे आणि असा क्षण परत येणार नाही हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा बाई आलेली आहे अरे राम हा हा तसंच दिसतंय बोला हा हा